दोस्तों एक बार आप सभी को फिर से जय माँ गंगे नमामि गंगे, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है मेरी एक नई वीडियो नई ब्लॉग में। तो दोस्तों आज है 7 दिसंबर, 7 दिसंबर के दिन आप माँ गंगा के दर्शन कर सकते हो, ये देख लो। और आज श्रद्धालु की संख्या बहुत कम देखने को मिल रही है हमें। दोस्तों आप देख सकते हो कितनी कम संख्या हो चुकी है आज, डेली भीड़ कम होती रह रही है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ, अब ज़्यादा भीड़ नहीं है। आप देख सकते हो ये ब्रह्मकुंड घाट से ये नज़ारे, और यहीं से दिखाऊँगा मैं तुम्हें नए वाले घाट के नज़ारे सामने, और वहाँ से तुम्हें देख लो कितनी भीड़ है आज, ये देख सकते हो। तुम्हें दिखाऊंगा यहाँ से। तो दोस्तों यहाँ पे देख लो कितनी कम भीड़ है। दोस्तों ये देख लो, कुछ ही लोग हैं स्नान करते हुए जो हमें दिखाई दे रहे हैं आज, ये देख सकते हो। ज़्यादा लोग हैं नहीं और ज़्यादा भीड़ भी नहीं है। और अब सामने तक देख लो, सभी घाट खाली खाली जैसे हो चुके हैं, लोगों की भीड़ ज़्यादा नहीं है इसलिए, ये देख लो। और दिन की बात की जाए तो दिन है आज बृहस्पतिवार का, और धूप एकदम कड़क सी लगी है, मतलब गर्मी भी दिन में थोड़ी सी गर्मी है, पर ज़्यादा सुबह शाम बहुत ज़्यादा ठंड हो चुका है। और आसमान देख लो, पूरे बादल एक भी नहीं है दोस्तों, आसमान भी पूरा नीला नीला तरीके से, देखो कहीं पे भी बादल नहीं है बिल्कुल। देखो सामने तक, ये देखो बादल भी बिल्कुल नहीं है। और अभी चलता हूँ धीरे धीरे सभी प्रमुख घाट पर, ऐसे बने रहेगा हमारे साथ, चलते हैं सामने की ओर। दोस्तों सबसे पहले हरिद्वार हर की बॉर्डर पे सूचना पड़ा अभी एक केंद्र था, ये देख सकते हो, और ये पूरी तरीके से टूट चुका है, देख सकते हो आप, ऐसे तोड़ दिया गया है। सूचना पद था यहाँ पे, यानी कि आपका कोई भी भाई बहन, कोई भी आपके साथ जो भी आए रखे आपके दोस्त वगैरह, अगर आपके वो आकर आपको भीड़ में नहीं मिल पा रहे तो यहाँ से आप पूछ सकते थे, यहाँ से आप बुलवा सकते थे माइक पे, आपने देखा होगा बहुत बार भी। तो वो आज टूट चुका है देख लो, और ये टूट चुका है पूरी तरीके से। और यहाँ पे 2 मंजिल का था वो पूरी तरीके से तोड़ चुका है, यानी कि यहाँ पे अब दूसरा बनेगा नया, और अब आपको पूछने के लिए सामने जाना पड़ेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इधर सामने यहाँ पे जाके लेफ्ट लेना पड़ेगा आपको, आगे जाके वहाँ से आप पूछवा सकते हैं। और ये पूरी तरीके से टूट चुका है देखो भाई सामने तक ये, और आज के नज़ारे ये देख लो, ये रहा ये यहाँ से दिख रहा। तो दोस्तों धूप भी बढ़िया तरीके से निकल चुकी है, और आसमान पूरी तरीके से खाली है, मतलब बादल बिल्कुल भी नहीं दिखे हैं सच्ची में आज, बादल बिल्कुल भी नहीं है। और माँ गंगा का पानी तो देख लो भाई कितना साफ स्वच्छ हो चुका, मतलब पारदर्शी नीला नीला पारदर्शी की तरह साफ हो चुका है, दिख रहा पूरी तरीके से साफ हो चुका है। चलते हैं धीरे धीरे सभी प्रमुख घाट पे, हमारे साथ बने रहेगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर करता दोस्तों, और ऐसे माँ गंगा के दर्शन करते जाएगा हमारे साथ। चलते हैं सामने की ओर, कराते हैं तुम्हें माँ गंगा के दर्शन। चलो देखो दोस्तों ये देख लो, यहाँ पे देख लो, और थोड़ा सा मैं तुम्हें पास से दिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है ये देखो। तो देखो तुम्हें माँ गंगा की आवाज़ सुनाऊँगा, छल छलाती हुई लहरों की आवाज़ें सुनाऊँगा, ठीक है, करीब से ले जाने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट देखना दोस्तों, तो दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं ठीक ब्रह्मकुंड घाट के सामने, ये देख लो, और सामने के नज़ारे देख लो दोस्तों, जहां पे होती है माँ गंगा की आरती उसी जगह पे खड़ा हूं मैं अभी, और यहां से तुम्हें दिखा रहा हूं माँ गंगा के इस पवित्र गंगा जल के दर्शन आप कर सकते हो। दोस्तों आपको बता दूं फिर से, 7 दिसंबर के दिन आप ये नज़ारे चेक कर सकते हो। सने की बात की जाए तो समय अभी लगभग 1:30 बज चुका है, और उस समय की आप नज़ारे चेक कर सकते हो देख लो। और आज देख लो दोस्तों कितने घाट खाली हो चुके हैं, सभी घाट खाली खाली हो चुके हैं, देखो एक भी कुछ ही लोग रह गए जो स्नान कर रहे हैं, बाकी कुछ लोग सामने की ओर हैं, और वहाँ पे ले जाएंगे तुम्हें, उस तरफ के भी दर्शन कराऊंगा तुम्हें, ठीक है, सामने महिला वाले घाट पे। और यहाँ पे चेक कर सकते हो आज देखो बिल्कुल भी नेक नहीं है, क्योंकि सामने वाले घाट भी बहुत खाली हो चुके हैं, जहाँ पे बहुत कम लोग हैं। और ये देख लो यहाँ पे कुछ भी लोग नहीं है, ये रहा सामने घंटाघर, ये देखो, और यहाँ पे देख लो कुछ ही लोग बचे हैं, ये देखो ज़्यादा लोग हैं नहीं, बस कुछ ही लोग हैं जो
आप आ रहे हैं। बस अभी भीड़ बहुत कम हो चुकी है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, नई अपडेट आप लोगों के लिए यही है कि भीड़ भी कम हो चुकी है। अभी देख सकते हो, ये देखो, आप देख ही रहे हो वीडियो के माध्यम से कितनी भीड़ दिख रही है आपको, देख लो। चलते हैं धीरे धीरे सामने, ठीक है। कुछ लोग सामने, हमें थोड़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है, चलते हैं उस सामने की ओर। देखो भाई, यहाँ पे देख लो, कुछ ही लोग हैं जो इस नारे हैं। बहुत ज़्यादा क्या मतलब, गर्मी है ही, दिन में थोड़ी बहुत धूप जो निकल रही है ना अभी, वो बहुत तेज़ धूप निकल रही है क्योंकि आसमान पूरी तरीके से साफ है ना एक तो। और ये देखो इन लोगों को, देख जी, तो दोस्तों आप देख लो, अभी मैं पहुंच चुका हूँ ठीक महिला वाले घाट के सामने, ये देखो, और वहाँ पे भीड़ देख लो दोस्तों, इतनी कम हो चुकी है। ये देखो, पर लोग स्नान करने वाले तो कर ही रहे हैं, देखो अभी भी लोग आ ही रहे हैं, ये देखो। और आप लोगों को मैंने बता दिया, कभी भी स्नान करना हो तो ये जो कुंड है ना, इनको पकड़ के किया करो, ये लोग स्नान करने के लिए बनाए हैं। देखो इसे पकड़ के आप करोगे ना तो फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि कभी कभी कहीं पर ऐसा होता है गड्ढे होते हैं ना, तो उसमें डूबने की संभावना ज़्यादा रहती है दोस्त उन गड्ढों में। और ये देखो भाई, सामने के नज़ारे देखो, कुछ लोग सामने से तैर के आ रहे हैं, देखो ये देखो, वो आ रहे थे सामने से तैर के आ रहे थे। दिख रहे हो तुम्हें, तैर के चल के आ रहे गाइस, ये देखो उधर चले गया भाई दादे बीच में से डर के, देखो ये। तो दोस्तों मैं धीरे धीरे हर की पौड़ी से ना धीरे धीरे सामने की ओर आया, तो यहाँ पे ना भाई सच्ची में बहुत ज़्यादा पानी चलता है दोस्तों। देखो कितना पानी चल रहा है, चलता है नहीं चलता है क्योंकि, और बीच में ना वो सच्ची में वहाँ पे इतना ज़्यादा गहरा है ना, वहाँ पे डूबने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है सच्ची में। ये देखो, और यहाँ पे पानी देखो कितना बहाव चल रहा है, देखो दिख रहा है, देख सकते हो तुम कितना तेज़ पानी चल रहा है, देखो ये लहर देख लो, ये देखो भाई इतना पानी चल रहा है, और वहाँ से देखो कितने फोर्स से आता है पानी, ये देखो भाई। और यहाँ पे बीच में तो प्लीज़ इस तरफ जितना ही नहाए ना इंसान तो अच्छा रहता है, बाकी सामने तक नहाए, उधर नहाए तो ठीक है, उस तरफ ज़्यादा नहीं है दिक्कत, तो इस तरफ ना आप लोग कभी भी आए तो ये जगह देख लो भाई, ये इस जगह पे ना बिल्कुल नहीं नहाए, ये ठीक है महिला वाले घाट के सामने, और इस जगह पर बिल्कुल ना नहाए, यहाँ पर तो खतरा ज़्यादा रहता है, और अगर यहाँ पर आप चले गए ना बीच में तो पानी आपको बीचों बीच में ले जाएगा, ठीक है, बहाव इतना तेज़ है बीच में ले जाएगा तो आपको डूबने की संभावना ज़्यादा रहती है। और सामने राम माँ गंगा का मंदिर देखो, प्राचीन मंदिर, वहाँ कितने प्यारे व्यू है सामने से देख लो दोस्तों। धीरे धीरे पहुँच गए हम शिव वाले घाट की ओर, और यहाँ से आप नज़ारे चेक कर सकते हो, देखो। और इससे धीरे धीरे अभी हम जाएंगे पीछे बड़ी घाट की तरफ, जहाँ हम निकलते हैं सीधे बड़ी गंगा, यानी कि बड़ी धारा माँ गंगा की, यानी कि वो शिव वाले पुल की ओर, और वहीं से जाएंगे फिर सीधे सामने उसके नाए वाले घाट के सामने होते हुए दिखाऊंगा पूरे नज़ारे, ठीक है। और अभी आ चुका हूँ मैं शिव वाले घाट की ओर, और यहाँ देख लो जहाँ से निकलती है माँ गंगा का, इस दो भागों में बढ़ जाती है, भागीरथी जहाँ से निकलती है हर की पौड़ी को, और एक गंगा इस तरफ को कट जाती है, इसी को बोलते हैं शिव घाट। और सामने माँ गंगा की मूर्ति आपको दिख रही होगी, देखे जिस पे बैठे रहते हैं हमेशा दो कौवे, देखो ये देखो भाई, हमेशा दो कौवे इसमें बैठे रहते हैं भाई, हमेशा भाई, ये खासियत तो है माँ की मूर्ति पे ना, वो कौवे ज़रूर बैठे रहते हैं भाई, ये देख लो जो जो आपको दिख रहा होगा सामने। और बाकी ये नज़ारे देख लो, दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं ठीक धनुष वाले पुल के सामने, और यहां से आप नज़ारे देख सकते हो। सभी नई नई अपडेट की जानकारी दे दी है मैंने आप लोगों को, मौसम बिल्कुल साफ हो चुका है, 7 दिसंबर के दिन आप ये नज़ारे देख रहे हो। और हरिद्वार हर की पौड़ी पे भीड़ बहुत ज़्यादा कम है, आपको आने के लिए ज़्यादा कोई दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, आप लोग बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन से आराम से आ सकते हो साइकिल वाले रिक्शा में, जो आप लोगों को आराम से हर की पौड़ी पे छोड़ सकते हैं अभी। और ये है, इसे बोलते हैं बड़ी वाला धारा, यानी कि बड़ी वाली धारा माँ गंगा की, जहाँ से निकलती है, क्योंकि यहीं से होते हुए निकलती है कि, और सीधे सामने भागीरथी सेतु पे दोनों माँ गंगा की, यानी कि ये सेतु अलग हो जाती है जो, और भागीरथी सेतु जो हर की पौड़ी को निकलती, ये दोनों एक जगह मिल जाते हैं सामने निकलते ही, जिसे बोलते हैं शिव वाले पुल पर मिलती है। देखो ये रहा पुल, ये देखो इसी पुल पर मिल जाते हैं दोनों, अब यहाँ से निकलेगी ना भागीरथी सेतु की तरफ, ले चलता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है, जैसे बोलते हैं नाई घाट, और उसके बाद ये दोनों सामने मिल जाती है सामने की ओर, शिव वाले घाट की तरफ, हाथी वाले पुल की तरफ, दोनों नाई वाले
सुभाष घाट की तरफ होते हुए निकल जाते हो। यहाँ पे लहरें देख सकते हो माँ गंगा की, ये देखो लहरें भी बहुत ज़्यादा जोरों शोरों से चल रही है आप देख सकते हो, और यहीं से होते हुए निकलती है। देखो ये हर की पौड़ी से निकलते हुए निकली माँ गंगा और यहीं से भागी जाती है, सेतु बोलते हैं जिसे वैसे, पर ये यहीं से निकलते हुए मिल जाती है, सामने मिल जाती है दोनों। अब देख रहे हो ये नाई वाले घाट के नज़ारे, और यहीं से आप ऊपर पहाड़ पे आई, अगर आप यहाँ पे आए नाई वाले घाट पे और आपकी नज़र ऊपर माँ मनसा देवी मंदिर पे नहीं गई तो भाई क्या ही बोलूँ यार, यहाँ पे तो नज़र हमेशा जानी है। यहीं से नज़र आप लोगों की ऊपर पहाड़ पे पड़ेगी सीधे जहाँ पे है माँ मनसा देवी का मंदिर। आप जब भी हरिद्वार आए तो एक बार वहाँ भी ज़रूर दर्शन करें दोस्तों। ये देखो दोस्तों, देखो अब दिखाऊँगा तुम्हें यहाँ से, देखो इसे बोलते हैं नाई घाट, और सामने रहा शिव धनुष वाले पुल यानी कि शिव घाट, और जो हर की पौड़ी से निकलती है माँ गंगा, ये देखो इसी तरफ से निकलती है, ये देखो दिख रही है, और सामने तक नज़ारे आपको दिख रहे होंगे। सभी घाट पे ज़्यादा श्रद्धालु है नहीं, बस कम ही है, कुछ ही कुछ लोग आ रखे हैं जो बड़ी दूर दूर से पहुँचे हैं माँ गंगा के स्नान करने के लिए। आप देख सकते हो, आप लोग भी आइएगा दोस्तों ज़रूर एक बार स्नान करने के लिए। और अगर मैं आप लोगों को फिर से बोल दूं, अगर डेली डेली हरिद्वार से हर एक नई नई अपडेट आप लोगों को पाना चाह रहे हो तो प्लीज़ चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आप लोगों के लिए हरिद्वार की हर एक नई नई अपडेट मैं आप लोगों के लिए लाते रहता हूं। और कमेंट बॉक्स में जय माँ गंगे नमामि गंगे जरूर लिख दें। दोस्तों मिलूंगा एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, आप लोगों ने आज के सभी घाट के नज़ारे देख लिए, और मिलूंगा बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय, जय माँ गंगे नमामि।